को जय मसीह की जीसस वॉइस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी को भी ऑन कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन हर समय आपको मिलता रहे। खान सर को कौन नहीं जानता, आज हर कोई खान सर को जानता है और उनके जो पढ़ाने का जो तरीका है वो आज लोगों को बहुत अच्छा लगता है। अपने यूट्यूब चैनल में अलग अलग प्रकार की खान सर जानकारियाँ देते हैं और वो बिहार के रहने वाले हैं और वो एक अच्छी रीति से टीचिंग देते हैं ताकि जो आम छात्रों को भी बिल्कुल समझ में आ जाए। उनका जो पढ़ाने का तरीका है वो बिल्कुल ही अलग है। वीडियो में मैं आपको खान सर के बारे में नहीं बताने वाला हूं, लेकिन खान सर ने मसीही लोगों के लिए, ईसाई लोगों के लिए क्या कहा और धर्म के बारे में क्या कहा, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहे। सबसे पहले हम खान सर का वीडियो देख लेते हैं। सिया सुनी के चक्कर में मत पड़ना रे भाई, चुपचाप नौकरी लो, काम खत्म करो भाई। आप हिंदू हो या मुसलमान या सिख ईसाई, सिख ईसाई जैन बौद्ध को समझाने की जरूरत नहीं है, वो बहुत विद्वान है वो लोग। मेन इनको मुसलमानों को और थोड़ा बहुत हिंदुओं को समझाने की जरूरत है। आप समझो भाई, मरने के बाद आपके धर्म का हिसाब नहीं होगा कि आपका धर्म अच्छा था कि आपका धर्म खराब था। मरने के बाद आपके कर्म का हिसाब होगा। आप अच्छा कर्म किए थे तो सही है, गलत किए थे तो सही है, मत तो गलत है। आप बताइए कहीं लिखा है कि आपके धर्म का हिसाब होगा? किसी में भी आप कोई भी धर्म उठाइए, हर जगह यही लिखा है कि कर्म का हिसाब होगा। तो भाई आप हिंदू हो तो भी अच्छा कर्म करो, मुसलमान हो तो भी अच्छा कर्म करो, क्या मतलब बनता है इससे? अजीब चीज है। खान सर का समझाने का तरीका ही अलग है, उनकी बात करने का तरीका ही अलग है। यहाँ पर खान सर ने बताया कि जो क्रिश्चियन लोग हैं, ईसाई लोग हैं, उनको समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो पहले से ही बुद्धिमान है। और बात बिल्कुल सत्य है क्योंकि जो मसीही लोग हैं, क्रिश्चियन लोग हैं, उनको समझाने की जरूरत नहीं है कि तुम ये काम करो, तुम वो काम करो। मसीही लोग शुरू से ही विद्वान रहे हैं। अभी हम संसाधन देख रहे हैं, सब कुछ मसीही लोगों की ही देन है और मसीही लोग बहुत ही बुद्धिमान रहते हैं क्योंकि वो जीवित परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं। खान सर ने बताया कि हिंदू और मुस्लिम लोगों को समझाने की जरूरत है क्योंकि छोटी बातों में एक दूसरे पर भड़क उठते हैं, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े करने लग जाते हैं। अगर मैं किसी व्यक्ति को यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाता हूँ तो क्या मैं धर्म परिवर्तन करता हूँ? अगर मैं किसी के साथ भलाई का काम करता हूँ तो क्या मैं उसके साथ धर्म परिवर्तन करता हूँ? लेकिन आज ये लोग समझ नहीं पा रहे हिंदी। लेकिन खान सर ने बिल्कुल करेक्ट बोला है कि मसीही लोगों को, ईसाई लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनके पास पवित्र बाइबल है, खुदा का कलाम है और वो उनके अनुसार चलते हैं। आपने सुना है कि ईसाई लोगों ने दंगा किया? कभी आपने सुना है कि ईसाई लोगों ने बहुत बड़ा दंगा कर दिया? आपने सुना है कि ईसाई लोगों ने कहीं दंगा फसाद कर दिया? बिल्कुल नहीं सुना होगा क्योंकि मसीही लोग एक शांत हैं, एक प्रेमी हैं, क्योंकि वो हर एक लोगों के साथ प्रेम से रहना चाहते हैं और भलाई का काम करते हैं। लेकिन इन लोगों को लगता है कि ये उनके द्वारा धर्म परिवर्तन कर रहे हैं जो कि बिल्कुल गलत है। और खान सर ने बताया धर्म के बारे में, जब मनुष्य का न्याय होगा तो धर्म नहीं देखा जाएगा कि तुम कौन से धर्म से हो, तुम मुस्लिम हो, तुम हिंदू हो, तुम ईसाई हो, तुम सिख हो। परमेश्वर के सामने धर्म नहीं देखा जाएगा लेकिन आपका काम देखा जाएगा कि आपने किस प्रकार का काम किया है। बाइबल हमें इसके बारे में स्पष्ट रूप से बताती है कि जो मनुष्य इस पृथ्वी में जो काम करता है उसका न्याय होगा एक दिन। उन सभी का न्याय करेगा जो हमने इस पृथ्वी पर किया है। अगर हमने किसी को एक थप्पड़ भी मारा है उसका रिकॉर्ड परमेश्वर के पास है। अगर हमने चोरी किया है तो उसका रिकॉर्ड परमेश्वर के साथ है। अगर हमने किसी का हत्या किया है, किसी के बारे में झूठ बोला है, किसी को गंदी नजर से देखा है, किसी के साथ बुरा काम किया है, सब कुछ परमेश्वर के पास रिकॉर्ड है हमारे कामों का। हम कोई से भी धर्म से आते हो लेकिन हमें अच्छा काम करना है और खासकर यीशु मसीह पर विश्वास भी करना है क्योंकि स्वर्ग में जाने का मार्ग केवल यीशु मसीह ही है। हमें न्याय के बारे में बताती है प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय और 11 कलम से आगे हम पढ़ेंगे। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ देखा, उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह नहीं मिली। फिर मैंने छोटे
बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तक ही खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। स्वर्ग में उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया और उनमें से हरेक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक की आग की झील में डाल गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाल दिया गया। इस पृथ्वी में जो भी काम करते हैं वो एक किताब में लिखा दिया जाता है। आज हमने कौन सा काम किया, आज हमने क्या बुराई की, आज हमने क्या अच्छा काम किया, सब कुछ परमेश्वर के पास रिकॉर्ड है। इसलिए हम चाहे कोई सी भी धर्म से आते हैं हम भला काम करें, अच्छा काम करें और यीशु मसीह पर विश्वास करें, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। क्योंकि बाइबल में लिखा है जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में ना मिला वो आग की झील में डाल दिया गया। यह दूसरी मृत्यु है जो अनंत काल के लिए तड़पना पड़ेगा। तो इस वीडियो के द्वारा आप सभी को जय मसीह की। प्रेज़ लॉर्ड।